नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जिसमें अखिल भारतीय निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति ने पेंशन धारकों के लिए 973 करोड़ रुपए का सरकार द्वारा जो प्रावधान करने की घोषणा की गई थी, तो वो एक चलावा ऐसा कहा गया है। तो ये दोस्तों, ये जो वीडियो है तो न्यूज पेपर में आई एक जानकारी के आधार पर बनाया गया है, अतः वीडियो में दी गई जानकारी को आप एक बार आपके स्तर पर जो है वो जरूर जांच ले। तो चलिए दोस्तों, ये जो डिटेल अपडेट है तो इसके बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 973 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की सरकार की घोषणा एक छलावा है, ऐसा अखिल भारतीय निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा कहा गया। अखिल भारतीय निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति ने ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाने के उद्देश्य से 973 करोड़ रुपए का प्रावधान कराए जाने की हाल ही में की गई सरकार की घोषणा को छलावा करार दिया है। समिति ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि पेंशन भोगियों को पहले से पेंशन कम तो मिल रही है, लेकिन इस घोषणा के बाद भी पेंशन में एक पैसे की वृद्धि नहीं हुई है, लिहाजा अनुरोध है कि कोरोना संकट काल में इसी घोषणा करके हम 65 लाख पेंशन भोगियों का मजाक न उड़ाया जाए। समिति ने लिखा है कि बीते 1 जून 2020 को अधिकतर खबरों में 65 लाख पेंशन भोगियों को राहत देने के लिए सरकार ने पेंशन के परिवर्तन मूल्य की बहाली के लिए ईपीएफओ में 973 करोड़ रुपए सहायता निधि की खबरें प्रकाशित हुई थी। इन खबरों के जरिए 130 करोड़ जनता के सामने यह प्रचार तो हुआ कि पेंशन भोगियों को सरकार ने राहत दी है, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ भी नहीं करते हुए बहुत कुछ किया। ऐसी लोगों में धारणा बनकर हमारे साथ एक क्रूर मजाक किया गया है। तो ये दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है कि ईपीएफओ द्वारा 973 करोड़ रुपए जारी करने की जो खबरें यहाँ पर निकल कर आई थी, तो उससे लगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में पैसे मात्र की बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो जी दोस्तों, अखिल भारतीय निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति ईपीएस 1995 की पेंशन बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में उनकी तरफ से कहा गया है कि 973 करोड़ रुपए का प्रावधान कराए जाने की जो हाल ही में घोषणा की गई थी, तो वो सही चलावा है। तो जी दोस्तों, इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। वीडियो में दी गई जानकारी से आप बहुत ही खुश नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन की बढ़ोतरी के संदर्भ में कोई भी अपडेट नहीं है। तो जी दोस्तों, तो यहाँ पर फिलहाल ये जो अपडेट निकल कर आया था, तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।